अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने नायलॉन का धागा लिया है। आप सिल्क के धागे से और कॉटन के धागे से भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो इसके लिए मैं नायलॉन का थ्रेड लूँगी और इसमें इस तरह के मैंने ग्लास बीड्स जो होते हैं वो पिरो रखी हैं पहले से ही। गोल्डन ग्लास बीड्स जो हैं उसका यूज़ करेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने पहले से ही बेस लाइन तैयार कर रखी है। तो बेस लाइन 1 चैन डबल क्रोशिया के साथ बना रखा है। तो आप लोग भी बेस लाइन पहले बना लीजिए 1 चैन डबल क्रोशिया के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 12.06 mm की। तो हम अभी अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे क्रोशिया पे नॉट बनाते हुए। तरह से यहाँ से मैंने बेस लाइन को बनाना शुरू किया था और यहाँ पे लाके धागे को कट करके निकाल दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से ही हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह अटैच कर लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेके सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम चेन बनाते हुए 10 बार यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब हम अटैच करेंगे बीड्स। तो हम 8 बीड्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बीड्स को इस तरह अटैच करेंगे और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेके दूसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाने के बाद अब हम ऐसे बैक साइड में आ जाएंगे। 1 चैन लेंगे हम, 1 चैन लेके पहले वाली बीड्स में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर हम लेंगे 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेके इस दूसरी वाली बीड्स में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन। सारे बीड्स में हमें 1 चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अगर आप सिल्क के धागे से बना रहे हैं तो 2 2 चैन करके बना सकते हैं। ये धागा थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए मैं 1 चैन लेके बना रही हूँ, ठीक है। सारे बीड्स में हम अटैच करते जाएंगे। इस तरह बना लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन लेके हम नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के फिर से हम बैक साइड में आ जाएंगे। अब हम इस चेन वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले फिर चेन वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2। सारे चेन वाले गैप में हमें 2 2 बार करके डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इस तरह इस तरह बनाते जाएंगे। हम यहाँ पे ये लास्ट वाले गैप में एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे इस तरह से बनाने के बाद अब हम इस वाले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर जो है टोटल 15 डबल क्रोशिया बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे वन चेन लेके नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर हम बैक साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे इस पहली वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे हम 2 बीट्स अटैच करेंगे इस तरह, फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बीट्स लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बीट्स। इसी तरह से हम पूरे राउंड पे बीट्स को अटैच कर लेंगे। हमें किसी पे सिंगल क्रोशिया जो है रिपीट नहीं करना है। ये हमारे पास लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से बीट्स को लगाते हुए। अब हम इस पहले वाले गैप में जो है सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह, फिर 1 चेन लेके हम नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना के फिर से हम टर्न ले लेंगे। और अब हम इस बीट्स वाले गैप में जो है बीच में हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पे अब हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके सारे बीट्स के दरमियान में अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह। इस तरह बनाते जाएंगे। अगर आप सिल्क के धागे से बना रहे हैं तो शायद आपको यहाँ पे 2 चेन लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अटैच करने के टाइम भी 2 चेन लेना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। 1 चेन लेके अगर डिज़ाइन में खिंचाव आ रहा है तो आप 2 चेन लेके भी बना सकते हैं। इस तरह बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस वाले गैप में बना लेंगे। इस तरह पूरे में अटैच कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा, फिर 1 चेन लेके नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बनाने के बाद फिर से हम बैक साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो हमने चेन वाला गैप है उसमें बनाना है डबल क्रोशिया। 1 2 दो दो बार करके उसी तरह से हम बनाते जाएंगे सारे चेन वाले गैप में डबल क्रोशिया। ठीक है, दो दो बार करके बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस डिज़ाइन को आप दुपट्टे पे बना सकते हैं, स्लीव्स पे बना सकते हैं, नेक पे भी बना सकते हैं। डिज़ाइन को बॉर्डर पे, दामन पे जैसे बनाना हो तो वहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पे ख्याल रखना है ना कि सारे चेन वाले गैप में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। ये जो बीड्स वाला अटैच है उसमें नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पे अब आखिरी में हम एक बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह बनाने के बाद अब इस नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। अब हम फिर से वन चेन लेंगे, वन चेन लेके नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। अब हम एक और गैप में यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे, एक और गैप में सिंगल क्रोशिया अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अब अटैच करना है बीड्स को। यहाँ पे हम वन चेन लेंगे, वन चेन लेके चार बीड्स हमें इस तरह अटैच कर लेना है। फिर उसके बाद हम ये जो पहली हमारे पास डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह बनाने के बाद फिर वन चेन लेंगे, वन चेन लेके नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 चार हम चेन लेंगे। चार चेन लेके हमें यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे भी अटैच कर सकते हैं, इस तरह से भी, या तो हम ऐसे टर्न लेते हुए बैक साइड में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे ऐसे। इस तरह अटैच करने के बाद फिर लेंगे हम 1 2 3 4 चार बार चेन लेके यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला जो गैप है हमारे पास उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट वाले गैप में। फिर हम टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है 1 2 3 4 चार सिंगल क्रोशिया बना के हम फिर से चार बीड्स को अटैच करेंगे। इस तरह अटैच करके ये बीड्स वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ऐसे बना के। अब हम इस चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 चार सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले गैप में ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे अटैच करेंगे चार बीड्स को। यहाँ पे खूब गौर से देखिएगा, एक बार देख के फिर उसके बाद डिज़ाइन को बनाना शुरू करिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर वन चेन, फिर एक नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम लेंगे चेन 1 2 3 4 चार बार चेन लेके ऐसे फिर से हम बैक साइड में आ जाएंगे। और इस बीड्स वाले गैप में बीच में हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 अब इस वाले बीड्स में हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरह से टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। अब इसमें हम बनाएंगे चार बार सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 इसमें बार बार घुमाने को है डिज़ाइन, तो इसलिए शायद बिगनर्स के लिए ऐसा लगे कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जब बनाने लगेंगे पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्राई करिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बन जाएगी आपकी डिज़ाइन। फिर इस बीड्स वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर इस चैन वाले गैप में 1 2 3 4, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से 4 बीड्स को अटैच करेंगे इस तरह, फिर 1 चेन लेके फिर नेक्स्ट गैप पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चेन लेके फिर से बैक साइड में आएंगे, फिर से यहाँ पे दरमियान में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर इस वाली बीड्स पे सिंगल क्रोशिया, फिर टर्न ले लेंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड पे बना लेंगे 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 4 बीड्स अटैच सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन अटैच सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिज़ाइन आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए गौर से, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। ये एक जैसे जाल जैसी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। 1 2 3 4, मुझे बताने में आप लोग को शायद ऐसा लगता हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसे डिज़ाइन, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बनाने लगेंगे ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मुश्किल हुई या आसानी से ये डिज़ाइन बन गई। और बहुत सारे हमारी ऐसी बहनें होंगी जिनको ये डिज़ाइन आती भी होगी पहले से ही बनाना, तो वो लोग भी कमेंट्स करके बताएंगे कि उन लोग को पहले से ही आती थी ये डिज़ाइन। फिर 1 2 3 4 चेन लेके तो हम पूरे राउंड तक यहाँ तक बना लेंगे ऐसे ही। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, अगर अभी तक या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके पास वाली जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। अब हम यहाँ पे आखिर में यहाँ पे अटैच करेंगे, इस तरह अटैच करने के बाद बीड्स को लगाते हुए फिर 1 चेन लेके हम इस वाले गैप में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर 1 2 3-4 चेन लेते हुए बैक साइड में उसी तरह से हम अटैच करेंगे। पहले बीड्स वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन लेते हुए इस वाले बीड्स गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर टर्न ले लेंगे, फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। 1 2 3 4 आखिर में एक बार और हम बीड्स को अटैच कर लेंगे। अब इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 4 बार सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया बना के अब इस वाले गैप में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेके यहाँ पे इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके बैक साइड में आएंगे। अब इस वाली बीड्स में हम अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह अटैच करने के बाद फिर राइट साइड में आ जाएंगे, फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 4 बार। 2 3 4 अब इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी, ये सर्कल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा सर्कल भी बनाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, तो दूसरा सर्कल कैसे बनाते हैं वो तो आसानी से आप लोग बना ही लेंगे। बस बीच में कितना गैप देना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको ये फ्लावर कितनी कितनी दूर पे चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे कि यहाँ पे मैं 11 बार अगर सिंगल क्रोशिया लेके ये डिज़ाइन को शुरू करती हूँ ना, तो बहुत ये करीब करीब डिज़ाइन हो जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना करीब रखना चाहती हैं डिज़ाइन को, कितनी आप दूर बनाना चाहती हैं फ्लावर को, तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं और बीच में और भी गैप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 13 टाइम बना ले रही हूँ सिंगल क्रोशिया। 13 टाइम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाने के बाद फिर से इस फ्लावर को हम बनाना शुरू करेंगे, तब भी ये करीब करीब ही डिज़ाइन बनेगी, बहुत दूर नहीं बनेगी। तो आप अपने हिसाब से दरमियान में गैप दे सकते हैं। यहाँ पे हम उसी तरह से फिर से फ्लावर को बनाना शुरू करेंगे। तो मैं पूरे फ्लावर को नहीं बना के दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बस मैं एक छोटा सा सर्कल बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। फिर आप लोग तो खुद ही इंशाल्लाह बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सर्कल को इस तरह बनाना शुरू करेंगे। तो मैं ये फ्लावर बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी करीब ये डिज़ाइन बनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने दूसरा फ्लावर भी बना लिया, तो इतने करीब करीब ये फ्लावर बने हैं। अगर आप बीच में स्पेस जो है 11 बार डबल क्रोशिया लेके बनाएंगे तो बहुत ही करीब, इतने करीब हो जाएंगे, यहाँ तक आपका फ्लावर बन जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कितनी आपको दूर रखनी है डिज़ाइन को, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं डिज़ाइन को। आप इससे भी ज़्यादा दूर रखना चाहते हैं फ्लावर को, तो आप बीच में स्पेस और ज़्यादा दे दीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।